बात करेंगे अब छिंदवाड़ा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पहले पूर्व सीएम ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और श्याम टॉकीज से वाहन रैली में सवार होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनके बेटे सांसद नकुलनाथ और बहू प्रियनाथ उनके साथ में मौजूद रहीं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज जी नहीं हूं जो लक्ष्य बनाते हैं, प्रदेश की जनता और मतदाता तय करेंगे। मैंने अभी नामांकन भरा है, मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है, ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर, डीएम साहब जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक, देखिए ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी।